हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गंदे पीले दांतों को दूध की तरह चमका सकते हैं। दोस्तों, आजकल गलत खान पान की आदतों की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे दांत पीले हो जाते हैं, जैसे कि सिगरेट आदि पीना, गुटखा खाना और बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, और दोस्तों सही तरीके से ब्रश ना करना। लेकिन दोस्तों, और भी ऐसे बहुत से दुनिया भर के कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांत पीले हो जाते हैं, दांतों में पायरे हो जाता है और मुंह से गंदी दुर्गंध आने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आज का जो नुस्खा है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारगर है। बिल्कुल अचूक नुस्खा है जो आपके दांतों को 110% दूध की तरह सफ़ेद बना देगा और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्माइल सुंदर लगेगी। तो शुरू करते हैं इस नुस्खे को। इस नुस्खे में सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो है नीम का तेल। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम नीम का तेल इस्तेमाल करेंगे। आपको भी नीम का तेल इसमें इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम दोस्तों आधा चम्मच के करीब नीम का तेल जो है इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें आधा चम्मच जो है नीम का तेल ले लिया है। तो दोस्तों, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही नेचुरल चीज़ है, वो है दोस्तों हल्दी, यानी कि टर्मरिक। दोस्तों, हल्दी के अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दांतों को सफ़ेद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, दांतों का कालापन खत्म कर देती है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम थोड़े सा हल्दी भी ले लेंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम इस नुस्खे में लेंगे, हर रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, वो है दोस्तों नमक। सेम मात्रा में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, नमक के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके दांतों की गहराई के अंदर जा करके जो भी कालापन होता है उसको निकाल देता है और दांतों के कीड़ों को भी मारने में हेल्प करता है, साथ ही जो पायरिया है उसको भी खत्म करता है। इसके बाद जो चौथी और आखिरी चीज़ हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों टूथपेस्ट। दोस्तों, टूथपेस्ट वो आपको लेना है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे आप कोलगेट यूज़ करते हैं तो आप कोलगेट लें, अगर आप क्लोजअप, पतंजलि या फिर कोई भी और यूज़ करते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर कोलगेट लूँगा क्योंकि मैं कोलगेट यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों उतना ही कोलगेट लेना है जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो जितना मैं इस्तेमाल करता हूँ उतना मैंने ले लिया है। अब आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले तो इसे मिला लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा ताकि जो सारी चीज़ें हैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। इस तरीके से मिला लीजिएगा दोस्तों। ये चीज़ें मिल चुकी हैं। अब ये देखिए, अब आपका जो चीज़ है वो तैयार हो चुकी है लगाने के लिए दांतों में। अब आपको एक ब्रश लेना है इस तरीके से, और इसको पूरे को आपको अपने दांतों में इस्तेमाल करना है, बचाना नहीं है। तो आपको इस तरीके से अपने दांतों इसको ब्रश पर लेना है और अपने दांतों को आपको 2 मिनट तक ब्रश करना है। बीच बीच में आपको डिप करते रहना है और फिर से पेस्ट लेना है। ये सारा का सारा पेस्ट आपको अपने दांतों पर इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों आपको लगातार 2 मिनट तक अपने दांतों पर इससे ब्रश करना है। दोस्तों, जैसे नॉर्मली आप ब्रश करते हैं वैसे ही आपको ब्रश करना है। और दोस्तों, इस पहली बार में आप देखेंगे जो आपके दांतों का पीलापन है, कालापन है, पायरिया है, बिल्कुल जड़ से निकल जाएगा और आपके दांत दूध की तरह, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे और आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो जाएगी। दोस्तों ये नुस्खा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन, और जिस दिन आप ये यूज़ नहीं करेंगे उस दिन आप नॉर्मल ब्रश करेंगे। दोस्तों, हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपको ब्रश करना है, 7 से 8 दिन तक। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके दांत बिल्कुल चमक जाएंगे और आपको किसी डेंटिस्ट तक को भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।